नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। इस बार आपके पास आने में थोड़ी देर हो गई। भारत चीन नेपाल के परिप्रेक्ष्य में पिछले 73 साल का लेखा जोखा आपके समक्ष रखते हुए मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि अगले एपिसोड में आपको चीन की बौखलाहट की असली वजह बताएंगे और यह भी बताएंगे कि पिछले 6 साल में भाजपा ने सेना के साथ क्या किया। 54 साल के राज में कांग्रेस ने भारतीय सेना को किस तरह पंगु बनाया, उसे आप पिछले कार्यक्रम में देख चुके हैं। 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में बर्बर अत्याचार के साथ साथ भीषण लूटपाट मचाई थी। लूट की अकूत संपत्ति भारतीय सेना ने बरामद की थी, लेकिन भारत सरकार ने वह संपत्ति बांग्लादेश को न देकर पाकिस्तान को दे दी। बांग्लादेश में लूटी गई संपत्ति पाकिस्तान को दिए जाने के कुकृत्य को हम दस्तावेजी तथ्यों के जरिए अगले एपिसोड में उजागर करेंगे। यह बातें मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि आपको याद रहे कि मेरा काम जारी है और आगे उसी की बारी है। इधर कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिसने पूरे देश का दिल दुखाया। फिल्म अभिनेता सुशांत राजपूत की हत्या, कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों का कत्लेआम, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सत्ता केंद्र के सामने दुखियारी मां बेटी का बीच सड़क पर आत्मदाह। मैंने पहले भी कहा था और यह तथ्य स्थापित तथ्य है कि बॉलीवुड माफियाओं का अड्डा है। दाऊद से जुड़े लोगों या दाऊद के आगे आत्मसमर्पित लोगों की ही बॉलीवुड में चलती है। अभिनय के क्षेत्र में भी वही चलेगा जो इस लॉबी का होगा। अगर वह किसी अभिनेता का रिश्तेदार है तब भी, और अगर वह अनाथ है तब तो बिना दंडवत हुए उसे एंट्री नहीं मिलने वाली। फिल्म निर्देशन और निर्माण की विधा में भी दाऊद के लोग, दाऊद के चमचे या दाऊद के एजेंट ही काम कर सकते हैं। कमर नचाने का जौहर दिखाने वाले घृणित जीवों से लेकर विषखोपड़ा, विनाश लीला और हिंदू नाम रखने वाले छद्मी भट्टों जैसे तमाम जनखों की खान है बॉलीवुड, जहां ऐसे विकृत चित्त के लोगों का गिरोह ताकतवर होगा, वहां सुशांत जैसा निर्मल हृदय वाला स्वाभाविक अभिनेता तो मारा ही जाएगा। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों का मारा जाना, विकास दुबे का नाम आना और फिर किसी निहायत घटिया और फूहड़ नाटक की तरह पुलिस के हाथों उसका सफाया। नेताओं, नौकरशाहों और अपराधियों की दुर्भिसंधि यानी नेक्सस को तथ्यात्मक और चित्रात्मक तरीके से उजागर करने वाला अकाट्य प्रमाण साबित हुआ है विकास दुबे का प्रकरण। वर्षों पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एन मुल्ला ने पुलिस को अपराधियों का गिरोह बताया था। यह तब की बात होगी। बदले हुए कालखंड में आज नेता, नौकरशाह और अपराधियों का संगठित माफिया सिंडिकेट है। पुलिस इस सिंडिकेट का औजार है। शासन और माफिया जब एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं तभी विकास दुबे जैसे यूज एंड थ्रो एलिमेंट्स अस्तित्व में लाए जाते हैं और इस्तेमाल के बाद हटा दिए जाते हैं। स्वाभाविक है, तब शासन अपना औचित्य खो देता है और तभी कोई विवश मां बेटी सत्ता गलियारे के सामने खुद को आग के हवाले करने का दुरूह फैसला लेती है। आग में झुलसती दौड़ती बेटी की आर्त चीख, बेटी बचाओ का नारा लगाने वाले नेताओं के गाल पर झन्नाटेदार तमाचे की तरह प्रतिध्वनित होती है। चलिए दृश्य बदलते हैं। यह दृश्य भी सुखद नहीं है। अभी जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वह बहुत खास है और बेहद चिंताजनक है। लेकिन उसके पहले फ्रांस से भारत आए राफेल लड़ाकू विमानों का प्रसंग आपको याद दिलाता चलूं। राफेल भारत ना आ पाए इसके लिए ईरान ने खूब मिसाइलें दागी। राफेल विमान नाइट हॉल्ट के लिए जब संयुक्त अरब अमीरात के अल थाफरा एयरबेस पर रुके तो उसे टारगेट बनाकर ईरान ने खूब मिसाइलें दागी। स्थिति यह हो गई कि राफेल विमानों को भारत पहुंचने के लिए उसे अन्य लड़ाकू विमानों का कवर लेना पड़ा। इस खबर पर आपका ध्यान जरूर गया होगा, लेकिन क्या आपका ध्यान इस ओर गया कि पाकिस्तान और ईरान की भक्ति करने वाली जमातों ने कितने शातिराना तरीके से इस मसले पर चुप्पी साध ली? ईरान के खिलाफ निंदा का एक भी शब्द नहीं निकला इनके मुंह से।
रोहिंग्याओं के लिए छाती पीटने वाले लोग राफेल पर बम बरसाने की ईरानी हरकत पर चुप्पी साधे रहते हैं। खैर, अब आपको यह बता दूं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत और नेपाल के कुछ भ्रष्ट पत्रकारों, नस्ल दूषित छद्मी बुद्धिजीवियों, सिद्धांतहीन वामपंथियों और धर्महीन रेडिकल इस्लामिक तत्वों के जरिए भारतीय सेना के गोरखा सैनिकों को भारत के खिलाफ भड़काने का अभियान तेज गति से शुरू कर दिया है। भारतीय सेना में काम करने वाले नेपाली मूल के गोरखा सैनिकों को बगावत के लिए भड़काया जा रहा है। नेपाल के गांव गांव में यह मुहिम चल रही है। गोरखा सैनिकों को विद्रोह के लिए उकसावा देने वाली खबरों का प्रकाशन और प्रसारण खूब तेजी से बढ़ा है। भारतीय सेना के प्रमुख को नेपाल सेना के प्रमुख का मानद पद दिए जाने की लंबी पुरानी परंपरा को खत्म करने के लिए नेपाल में पुरजोर मुहिम चल रही है। भारत और नेपाल के पत्रकार ऐसी खबरें छाप रहे हैं जैसे वे पत्रकार नहीं आईएसआई के दलाल हों। इन पत्रकारों ने मीडिया प्रतिनिधि होने की मर्यादा और शर्म ताक पर रखती है। मैं पिछले करीब एक दशक से लगातार खबरों के जरिए यह बता रहा हूं कि भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में नेपाली माओवादियों की भर्ती हो रही है जो भविष्य में खतरनाक साबित हो सकती है। मैंने कई नेपाली माओवादियों के नाम भी उजागर किए थे जिन्हें गोरखा रेजिमेंट में भर्ती किया गया था और उन लोगों के भी नाम प्रकाशित किए थे जो नेपाली माओवादियों की भर्ती में कड़ी का काम कर रहे थे, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आप उन खबरों की एक झलक लेते चलें। मैं यह समझता हूं कि इस लोकतांत्रिक नक्कार खाने में एक आम आदमी की औकात तूती से भी कम है। जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को जनहित और देशहित से जुड़ी सूचनाओं पर कार्रवाई करने की फुर्सत नहीं, उसे केवल भांड गायन सुनना है। नेपाली पत्रकार प्रतिष्ठा रिजाल लिखती है कि 1962 के भारत चीन युद्ध में कितने गोरखा सैनिक शहीद हुए, भारत सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिजाल लिखती है कि 1962 के युद्ध में शहीद हुए गोरखा सैनिकों का भारत ने सम्मान नहीं रखा, जबकि यह सफेद झूठ है। 1962 के युद्ध में 3 सैनिकों को परमवीर चक्र का शीर्ष सम्मान दिया गया था, जिनमें 8वीं गोरखा राइफल्स के धन सिंह थापा का नाम पहला है। धन सिंह थापा को लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद रैंक से भी नवाजा गया था। आजाद हिंद फौज के गोरखा कैप्टन राम सिंह के गीत कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा को देश ने राष्ट्र गीत के समानांतर सम्मान दिया है। गोरखा सैनिकों में भारत के प्रति विद्वेष पैदा करने के लिए प्रतिष्ठा रिजाल और एनपी उपाध्याय जैसे पत्रकार अनाप शनाप लिख रहे हैं, लेकिन नेपाल सरकार चुप्पी साधे हुई है। दूसरी तरफ भारत के मीडिया चैनलों और अखबार पर नेपाल में पाबंदी लगा दी गई है। नेपाली पत्रकार एनपी उपाध्याय ने तो आईएसआई और चीन की दलाली का जैसे ठेका ही उठा रखा है। गोरखा सैनिकों को भड़काते हुए उपाध्याय भारत को कृतघ्न राष्ट्र बताते हैं और चीन और पाकिस्तान को नेपाल का सच्चा दोस्त बता रहे हैं। उपाध्याय जैसे पत्रकार भारत के खिलाफ नेपाल, चीन और पाकिस्तान के ताकतवर गठजोड़ का सपना देख रहे हैं और मीडिया के माध्यमों के जरिए आग उगल रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की फंडिंग से ये ऐसे अंधे हो चुके हैं कि चीन द्वारा नेपाल के गोरखा जिले के रुई गांव और कोडारी गांव समेत करीब 11 गांवों पर कब्जा जमा कर बैठ जाने की घटना इन्हें नहीं दिखती। नेपाल के पत्रकारों की तो छोड़िए, वहां के प्रधानमंत्री ही चीनी राजदूत हाउ यांकी पर फिदा हो तो 11 गांव पर चीन ने कब्जा ही कर लिया तो क्या जाता है। आपको यह बता दें कि जिस समय नेपाल लिपुलेख पर विवाद कर रहा था और नया नक्शा जारी कर रहा था, उसके अरसा पहले चीन ने गोरखा जिले के रुई गांव स्थित 35 नंबर का सीमा स्तंभ ढहाकर गांव को अपने कब्जे में ले लिया था। तकरीबन 100 घरों वाला रुई गांव आज चीन के कब्जे में है, जबकि गोरखा जिले के राजस्व रिकॉर्ड फाइल नंबर 1 में रुई गांव नेपाल में है और वहां के ग्रामीण बाकायदा नेपाल को राजस्व कर भी देते हैं। इस तरह चीन ने रुई और कोडारी समेत 11 गांवों को अपने कब्जे में ले लिया है। उधर पाकिस्तान ने भी नेपाल की तरफ फर्जी नक्शा जारी कर गुजरात के जूनागढ़ को पाकिस्तान का क्षेत्र बता दिया है।
इस तरह के निर्लज्ज हरकतों पर भारतवर्ष के नस्ल दूषित छद्मी बुद्धिजीवी, बुद्धिहीन पत्रकार, सिद्धांतहीन वामपंथी और धर्महीन रेडिकल इस्लामिक तत्व शातिराना चुप्पी साधे बैठे हैं। अब आते हैं चीन की बौखलाहट की असली वजहों पर। कोरोना वायरस को शैतानी कारगुजारी से COVID-19 के खतरनाक बीमारी में बदलकर पूरी दुनिया को जैव युद्ध में झोंक देने वाले चीन की छवि आज एक दुष्ट अपराधी के बतौर पूरी दुनिया में स्थापित हो गई है। महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा पालने वाला चीन अपराधी के रूप में देखा जाने लगा है। इससे बौखलाकर चीन ने गलवान में गलीज हरकत की और दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश की। यह सिक्के का एक पहलू है जिसे हम आप देख रहे हैं। सिक्के का दूसरा पहलू भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो चीन की बौखलाहट की बड़ी वजह है। वह है तिब्बत को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला अमेरिकी संसद में लाया गया बिल और निर्वासित तिब्बत सरकार को पहली बार अमेरिका द्वारा दी गई $1 मिलियन की खुली आर्थिक मदद। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने निर्वासित तिब्बती सरकार के सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन को $1 मिलियन से ज्यादा की आर्थिक सहायता दी है। इन दो डेवलपमेंट से चीन जबरदस्त बौखला गया है। चीन की नकेल कसने में जुटे अमेरिका की संसद में तिब्बत को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दिए जाने की मांग की गई है। अमेरिकी सांसद स्कॉट पैरी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए अधिकृत किए जाने के लिए एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक को पिछले दिनों अमेरिकी सदन की विदेश मामलों की समिति को भेज दिया गया। इसके पूर्व स्कॉट पैरी समेत 32 सांसदों ने एक संयुक्त पत्र लिखकर विदेश मंत्री माइक पैम्पियो से आग्रह किया था कि अमेरिका सरकार वर्ष 2002 में पारित तिब्बत पॉलिसी एक्ट को लागू करे और अमेरिकी अधिकारियों, पत्रकारों को तिब्बत में आवाजाही की मंजूरी न देने वाले चीनी अफसरों को वीजा नहीं देने का रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट 2018 को भी प्रभावी बनाए। आप यह जानते ही हैं कि अमेरिकी संसद 28 अक्टूबर 1991 को बाकायदा प्रस्ताव पारित कर तिब्बत पर चीन के कब्जे को अवैध करार दे चुकी है। वर्ष 2003 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तिब्बत को चीन का हिस्सा बताने की भीषण भूल कर चुके हैं। हालांकि तिब्बत की निर्वासित सरकार को आर्थिक सहायता दिए जाने की जो अमेरिकी पहल हुई, उसे भारत सरकार ने समर्थन देकर, आज की भारत सरकार ने समर्थन देकर अपनी पुरानी गलती सुधारने की कोशिश की है। आकाशवाणी से तिब्बत की खबरों के प्रसारण पर प्रसार भारती का आधिकारिक ट्वीट एक बड़े नीतिगत परिवर्तन की सनद देता है। प्रसार भारती ने ट्वीट किया, अगर आपको तिब्बत की वास्तविक खबरें सुननी हो तो आप ऑल इंडिया रेडियो के तिब्बतन वर्ल्ड सर्विस को सुनें, जहां तिब्बत की और तिब्बत के लिए खबरें प्रकाशित की जाती हैं। भारत की नीतियां किस तरह करवट ले रही हैं, इसका अंदाजा आपको इस बात से भी लगेगा कि जिस बॉर्डर को ऑफिशियली हम भारत चीन बॉर्डर कहते थे, अब उसे भारत तिब्बत बॉर्डर कहा जा रहा है। पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बुमला पोस्ट पर जवानों को संबोधित करते हुए एलएसी को भारत चीन बॉर्डर न कहकर भारत तिब्बत बॉर्डर कहा। यह साफ तौर पर देश की बदलती नीतियों का संकेत है। देश की विदेश नीतियों में बदलाव तो दिख रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना के तीनों अंगों को सुदृढ़ और एकीकृत करने में भाजपा सरकार पिछले 6 वर्षों में फिसड्डी ही साबित हुई है। आधुनिक हथियारों, आयुधों, उपकरणों, वाहनों और विमानों से सेना तभी मजबूत होती है जब उसका कमांड एंड कंट्रोल सुदृढ़ हो और उसके पास बेहतरीन पेशेवर लड़ाकू दस्तों की ताकत हो। मोदी सरकार ने सेना के लिए इस दिशा में कोई काम नहीं किया, उल्टा सरकार के निर्णयों से सेना अपेक्षाकृत कमजोर ही हुई। हथियार मिले, राफेल मिले, लेकिन पेशेवर लड़ाकू दस्तों की टीम खड़ी करने में मोदी सरकार ने अड़ंगा लगा दिया। नेहरू और उनकी संततियों ने भारतीय सेना को निरंतर कमजोर करने का काम किया। भाजपा सरकार भी
भारतीय सेना को पेशेवर तौर पर मजबूत करने का कोई काम नहीं कर रही है। दुर्गम पहाड़ियों पर हम लगातार जूझ रहे हैं और चीन से मार भी खा रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर लड़ने में सक्षम योद्धा विकसित करने के लिए मोदी सरकार ने पिछले 6 वर्षों में कुछ नहीं किया। मनमोहन सिंह सरकार ने अरसे से लंबित माउंटेन स्ट्राइक कोर को सक्रिय करने के प्रस्ताव को 2013 में मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन उसके लिए जरूरी 65,000 करोड़ रुपए नहीं दिए थे। मोदी सरकार आई तो उसने माउंटेन स्ट्राइक कोर के प्रस्ताव को ही पुनरीक्षण यानी रिव्यू में डाल दिया। रिव्यू की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल को दी गई और डोवाल साहब ने 17वीं कोर को ही खत्म करने की सिफारिश कर दी। 17वीं कोर भारतीय सेना का पहला माउंटेन स्ट्राइक कोर है जिसे त्वरित प्रतिक्रिया करने वाले पेशेवर लड़ाकू दस्ते के रूप में विकसित करने और इसमें कई पेशेवर लड़ाकू दस्तों का डिवीजन शामिल किए जाने का प्रयास चल रहा था। पूर्वोत्तर देखने के लिए इसका मुख्यालय पूर्वी कमान के तहत पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में बनाया गया था और उत्तरी क्षेत्र देखने के लिए दूसरा मुख्यालय पठानकोट में बनना था, लेकिन मोदी सरकार ने ढाक के 3 पात कर दिया। 90,000 विशेषज्ञ लड़ाकू सैनिकों की क्षमता वाले माउंटेन स्ट्राइक कोर को सक्रिय करने की अनिवार्यता मोदी सरकार को समझ में नहीं आ रही। वर्ष 1986 में अरुणाचल प्रदेश के सुमडोरोंगचू घाटी में चीनी सेना के साथ हुई तनातनी में तत्कालीन थलसेनाध्यक्ष जनरल के सुंदर जी ने ऑपरेशन फाल्कन के तहत पूरी एक इन्फेंट्री ब्रिगेड को वायुसेना के हवाई जहाजों के जरिए उतार दिया था। उसके बाद ही स्ट्राइक कोर की योजना पर सैन्य रणनीतिकार तेजी से काम करने लगे। वर्ष 2003 में तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल एनसी विज के कार्यकाल में पाकिस्तान और चीन दोनों सीमाओं पर नई सुरक्षा रणनीति अपनाने की योजना बनी। तभी यह योजना बन गई कि 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2012-2017 में माउंटेन स्ट्राइक कोर को अस्तित्व में लाया जाएगा। जुलाई 2013 में यूपीए सरकार ने माउंटेन स्ट्राइक कोर के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी, लेकिन कोर को सक्रिय करने के लिए जरूरी धन नहीं दिया। यूपीए के बाद सत्ता में आई राजग सरकार ने भी इसकी मंजूरी नहीं दी और उल्टा कोर गठन के ही प्रस्ताव को पेच में उलझा दिया। भारतीय सुरक्षा प्रणाली के अलग अलग कंट्रोल एंड कमांड भी सेना के लिए भारी मुश्किलें खड़ी करते हैं, जबकि चीन की सेना एक ही कमांड एंड कंट्रोल से निर्देशित होती है। भारतीय सेना के एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल को छिन्न भिन्न करने का यश भी नेहरू को ही प्राप्त है। पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल यानी BSF और नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल और चीन सीमा पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP तैनात रहती है। इसके अलावा असम राइफल्स जैसी क्षेत्रीय सेनाएं भी हैं। इन सब की नियंत्रण प्रणाली अलग अलग है। सेना भी अलग अलग कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम से बंधी हुई है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए अलग अलग कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है। युद्ध के समय एक समेकित नियंत्रण प्रणाली की जरूरत होती है। भारत में सेना की तीनों शाखाओं को मिलाकर एक यूनिफाइड कमांड बनाने की अरसे से मांग हो रही है, लेकिन भारत सरकार इस पर कान में तेल डाले बैठी है। चीनी सेना एक ही आदेश पर भारत पर हमला कर सकती है, लेकिन भारतीय सेना को ऐसा करने में आदेश की तमाम औपचारिकताओं से गुजरना पड़ेगा, यानी रेड टेपिज्म की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। इसका नतीजा क्या होगा, इसकी हम आप कल्पना करें और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद की असलियत की समीक्षा करते चलें। नमस्कार, जय हिंद।